अगर अपने गांव की बात करें तो क्या गांव में लोग मास्क लगा रहे हैं अच्छे से या नहीं लगा रहे? आप तो यहाँ देखते ही होंगे चौराहे पे या बाहर, आपको क्या लग रहा है कि नहीं लगाते? आगे सीटें वगैरह जाते तो लगना चाहिए, बाकी यहाँ तो कम लगा रहे हैं। अरे दुकान वाले मास्क लगा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है दुकान वाले भी नहीं लगा। दुकान वाले तो कोरोना जो चल रहा था थोड़ा वो सख्ती थी, तो सिटी में जाने वाले भी चालान के हिसाब से लगाते हैं, बाकी लोग उनको भी वो बीमारी डर नहीं, बीमारी डर नहीं। के सामान लेने जा रहा है वो भी नहीं लगा रहे, जिसका मतलब एक स्थिति है कि तीन जो उपाय बता रखे हैं, मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर लगाना और सोशल दूरी। तो मास्क वाले में तो अपने गाँव में मामला ठीक है, मास्क कम लगा रहे हैं क्योंकि मेनली तीन चार जगह। अपने घर में तो चलो ऐसे लगाना चाहिए लेकिन नहीं लगा रहे, तो लेकिन बाहर जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहाँ तो मेन जरूरी है, और वहाँ हम लोग नहीं लगा रहे। एक खतरा तो ये हो गया। दूसरा ये है कि दूसरा है सामाजिक, थोड़ा मतलब फिजिकल दूरी, मतलब हम दूर दूर बैठे तो यहाँ पे शाम के टाइम हम देखते हैं या जहाँ भी मोहल्लों में जहाँ इकट्ठे होते हैं लोग, वहाँ भी देखे तो वो बहुत पास पास में बैठते हैं। अब काम भी करना है, काम धंधे भी करना ज़रूरी है और लोग आएंगे भी बाहर, लेकिन थोड़ा सा अगर दूरी मेंटेन करें तो वो थोड़ा खतरा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम गांव में देखें तो बहुत पास पास में भी भीड़ लग जाती है। कई बार तो युवा लोग भी वो खेल के आते हैं तो वो बिना मास्क के ही 15-20 लोग ही पहुँच जाते हैं। नहीं खेल रहे हैं ना सब, हाँ स्कूल में खेल रहे हैं, खेलना ठीक है दूर दूर, लेकिन यहाँ इकट्ठे होते तो वो आधे एक घंटा से दो घंटा मीटिंग चलती है ना, उसमें अगर दूरी नहीं रखेंगे तो वो समस्या हो जाती है। अपने बड़े बुजुर्ग लोगों को तो ज़्यादा खतरा है, लेकिन अब उनका मन घर पे नहीं लगता है तो आदत है शुरू से, तो वो आपके बाहर यहाँ बैठते रहते हैं, तो उस समय पर उनको करना कुछ भी नहीं है। थोड़ा अगर दूरी रखे वो भी बहुत बड़ी बात है, मास्क लगा के दूरी रखना है। तो एक तो वो तो दूरी वाला मामला भी अपने गाँव में अभी तक वैसे भी नहीं है, घरों में भी और घर के बाहर भी बाजार में भी, तो एक ये भी मामला हट जाता है। तीसरा है साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर। सैनिटाइजर वाले को भी मैं हटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो कुछ घरों में तो ठीक है मिल जाएंगे सैनिटाइजर, लेकिन बाकी घरों में सैनिटाइजर नहीं मिलेगा, साबुन मिल जाता है, लेकिन फिर वो साबुन मिलने के बाद उससे हाथ धोने की आदत नहीं है। सुबह धोते हैं फिर डायरेक्ट शाम को ही धोते हैं, मतलब जबकि ये डॉक्टर कहते हैं दिन में 5-6 बार तो हमको कहीं भी बाहर से आ रहे हैं जब या कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसके बाद हमको धोना जरूरी है। तो जो तीन खतरे हैं जिसके बाद जिससे बचाव हो सकता है तीन चीज़ों से, उन तीनों चीज़ों में अपना गांव का मामला है वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। तो अपनी किस्मत अच्छी है कि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है, अगर कोई कोरोना केस आता है तो बहुत जल्दी ही फैलने की संभावना है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें अपन नहीं मानते, तो अपन कर क्या सकते हैं। ये तीन चीज़ें वैसे देखा जाए तो कुछ भी कठिन काम नहीं है। अरे मुझे बाहर जा रहा है, मास्क लगाया और छुट्टी, थोड़ा दूरी बना के रखी, घर आया साबुन से हाथ धो लिया, टॉयलेट गए साबुन से हाथ धो लिया, जो टॉयलेट तो 5-6 बार जाती है दिन में, कोई भी ऐसा लगा कि कुछ गलत चीज़ को छू लिया है तो साबुन से हाथ धो लिया या सैनिटाइजर है तो वो लगा लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। और सोशल दूरी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, भाई दूर से बात करनी है, तो तीनों काम मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन दूसरे तरीके से देखे तो ये बहुत ही मुश्किल काम क्यों है, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं आया, किसी समय पे कल्चर में था ये सब चीज़ें लेकिन अभी नहीं है। पहले तो ये था कि अपन घर में जाएंगे तो अपने बाहर ही घर के बाहर ही लोग पैर धो के अंदर जाते थे, है मिट्टी से साफ से जैसे भी था साथ धो देते थे, मुंह धो देते थे, नहाने का भी चलन था नदी में डुबकी लगा के, जो भी जैसे भी था संस्कृति में, पर अब वो सिस्टम नहीं रहा। तो अब घरों में अपन सिविल सोसाइटी में जिस तरह से रहते हैं तो वहाँ अपन को थोड़ा सा और ज़्यादा सावधानी रखते, तब करें क्या? तो अपने पास दो तीन उपाय बचते हैं, ये जो आदत विकसित करने के लिए कुछ करें, या तो गांव में, गांव में क्या कर सकते हैं कि लोगों में आदत विकसित हो उसके लिए कुछ करें, उसके लिए क्या करें, वही तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। शुरुआत तो खुद से कर लें,
एक बात जो ये आंकड़ों से पता चल रहा है कि गैस इतनी ये से तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा दूर नहीं कि वो गैस हमारे आसपास आ जाए। जब मैं हमारे आसपास बोल रहा हूँ तो सिरों में बोल रहा हूँ। तो ये है अपने पूरे देश की जो आंकड़े हैं, और इसमें अभी तक मौत हुए हैं कुछ 10 लाख में मौत हुए, 21,000 जो जैसे अनुराग ने बताया कि 100 में से 3 लोग तो कहीं ना कहीं उनका डेथ हो रहा है, वो उनका मृत्यु हो रही है इससे। फिर उसके बाद देखते हैं कि सिरोही में आंकड़ा कैसा है। अभी तक आपको कितना लग रहा है सिरोही में कैसे से? अभी कुछ 800 के आसपास। अभी देखते हैं हमारे सिरोही में केस कैसे पड़े हैं। सिरोही में अगर आपको पता होगा तो सिरोही एक ग्रीन जोन था, सब बोल रहे थे ग्रीन जोन था, एक भी केस नहीं था सिरोही में। जब लॉकडाउन था तब सिरोही में एक भी केस नहीं था। फिर जब नवाखेड़ा एक गाँव है वहां से कोई अहमदाबाद से आया था और अपना पहला केस हुआ सिरोही में, तो वो हुआ हमारा 7 मई को। 7 मई को अपने सिरोही के पहले केस हुए। 7 मई से 7 जून में हमारे सिरोही में हो गए 200 केस बढ़ गए। एक महीने में कितने केस बढ़ गए? फिर और एक महीने चलते हैं 7 जून से 7 जुलाई, कितने केस बढ़ गए? 400 प्लस हो गए। तो यहाँ भी कम से कम ये 7 जुलाई से एक महीना नहीं है, सिर्फ कुछ 10-14 दिन है कुछ वैसे, तो उसमें 200 केस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी सिरोही में हालत ऐसा है कि चारों तरफ सिरोही में सारे सभी ब्लॉकों को बात करें, शिवगंज हो गया, रेवदर हो गया, जितने भी खंड है आबू रोड, पिंडवारा, सारी जगह आ चुका है। और हम लोगों में से कोई ना कोई तो बाहर जाता ही है, कोई सिरोही टाउन जाता है, मार्केट जाता है, और कोई जगह जाता है जिस गांव में है। तो अगर हम लोग अभी सावधानी नहीं बरतते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे गांव पे नहीं आएगा कोरोना। और ये तो एक ऐसी बीमारी है जिसकी इलाज तो है नहीं। अगर आप सबको पता है कोई, जिसको मतलब इलाज के बारे में इतना कोई पता है, कोई किसको कोई जानकारी है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, बचाओ इलाज है, क्योंकि उनका कोई इलाज निकला नहीं। सब तो बोल रहे हैं कुछ आएगा वैक्सीन टीका कुछ आएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ आया नहीं। तो बचाओ ही एक ही मात्र इलाज। शुरुआत तो खुद से कर लें कि हम तो जब भी बाहर जाएंगे तो मास्क लगा के जाएंगे, कम लोगों में बैठेंगे तो मास्क लगा के बैठेंगे, सामान लेने जाएंगे तो मास्क लगाएगा दुकानदार को बोलेंगे और हम सामान, तो ये तो खुद से शुरू कर। दूसरा है कि अपने घर में और पड़ोस में जो भी जिसको हमारी बात मानता है उनको बता दे कि भाई ये मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये कोरोना के नाम पे नहीं लगाना। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, कोरोना तो कई बात होती है मेरी, कई बार तो लोग कहते बच्चे कि भाई कोरोना तो चला गया, जबकि डेटा नहीं कहता कि चला गया। कल 49,000 केस थे, परसों 48,000 केस थे, उससे पहले 45,000 केस थे। 3 दिन में 1.5 लाख केस हुए अपने भारत, और डेली 50,000 का एवरेज आ रहा है। इसका मतलब डेटा नहीं कहता कि चला गया, मीडिया में आना बंद हो गया क्योंकि अब सरकारों के हाथ पैर फूल रहे हैं। तो मीडिया इतना नहीं दिखाएगा जितना पहले दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो अब हमको क्या करना है कि मास्क अच्छे से लगा के ही निकलना है, जो हमारी बात मानता हो उसको मास्क लगाने के लिए कहना है, साबुन हाथ धोने के लिए कहना है। अच्छा, अब समस्या ये है कि कई लोग नहीं मानते, आदत में लाने के लिए है ही नहीं मास्क। तो मास्क कोई भी यूज कर सकते हैं घर में बना हुआ, एक तो ये बात समझानी है लोगों को। फिर भी कोई नहीं मानेगा तो मेरा अनुरोध तो ये है कि जब हमारे यहाँ कहीं अपन कोई प्रोग्राम होता है, कोई धर्म के काम करते थे पहले, तो कोई शरबत बांटता था, कोई नाश्ता कराता था, कोई मंदिर में कुछ करवाता था, ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं अपने प्रोग्राम। मैं कहता हूँ कि हम सब मिल करके जो भी आए थोड़ा बहुत, जो भी हमारे मान लो 10 मास्क 20 मास्क उनका कुछ खर्चा छोटा मोटा मिल करके, और कुछ कपड़ा ला करके, और जो बच्चे सीखते हैं सिलाई वाले या जो सिलाई जानते हैं उनको कपड़ा देते हैं, उनको कहें कि आप मास्क बनाओ, खर्चा अपन मिलके उठा लें। जो भी नहीं लगा है उनको केवल मास्क देना है, जैसे वो पुलिस वाले ने उसको दिया लगे, तो फ्री वितरण कर दें। अभी पहली 3-4 जगह दुकानों पे, बाजार में पानी जहाँ भरते हैं उसकी टंकी पे, ये 3-4 जगहों पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो अपने घर में दे दी गए वो पानी भरने जाती है, हम खुद जाते हैं पानी भरने, तो वहाँ पर हम उनको कहें हाथ धोकर पानी भरने के लिए, मास्क लगाकर पानी भरने के लिए। और ये तो अपने केवल इस मोहल्ले की मीटिंग है ना, ये गांव की नहीं है। तो मोहल्ले अपन को जिम्मेदारी अगर अपन ने मोहल्ले की भी ले ली, खासतौर से अपने युवा और जो आप लोग जिनका थोड़ा मानते लोग, वो लोगों ने अगर अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले ली तो भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से थोड़ा सा ये बातें थी। अब आपके कोई भी सवाल हो या आप अपनी बात कहें कि आपको क्या लग रहा है, आप जो कह रहे थे मतलब कि और कैसे कर सकते हैं गाँव आपके मोहल्ले में, मतलब क्या और क्या कर सकते हैं?
मतलब करनी चाहिए कि एक किस्म और एक चीज हमको कि हमको सब्र बहुत रखना पड़ेगा जो भी हम पहले गाँव में पढ़े लिखे लोग है ना, क्योंकि ये देखो इतना आसानी से नहीं होता है। हमारे मास्क लगाने की आदत नहीं है, हमने कब मास्क लगाए? सालों से पीढ़ियों से हमारे किसी ने मास्क नहीं लगाए। पहले जरूर वो कपड़ा जरूर होता था, वो बांध के सिर पे और ऐसे रहते थे, लेकिन वो भी अब नए नौजवानों में नहीं है। तो अब मास्क हमने कभी नहीं लगाए तो अपन एकदम से कहते कि मास्क लगना शुरू हो जाएगा गांव में। उसका सब्र रहे कि हम बार बार समझाएंगे लोगों को, जागरूक करेंगे और थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा टाइम लेके एक महीने दो महीने में ये जागरूकता आएगी। हम छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम यहाँ गाँव में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि गाँव के लोगों को जागरूक करें, थोड़ा प्रचार करें ताकि लोग अच्छे से उसको कुछ तो समझ में आए या कुछ लोगों के भी समझ में आए, तो वो हम कर रहे हैं। और हम सबके सहयोग से करना चाहते हैं कि हम सब मिल करके जो भी उपाय हो सकता है, किसी से बात करनी है, कोई व्यवस्था करनी है, कुछ भी सहायता और करनी है, उन पे हम काम करें और तीन चीज़ों पे फोकस करें कि हम हाथ अच्छे से हमारे घर वालों को धुलाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी को जागरूक करेंगे, मास्क लगा के ही बाहर निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मतलब थोड़ा सा फिजिकल वाला दूर दूर रहेंगे।